तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदय निधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं, जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब पंथ धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूँ। जो डीएमके नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार, और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते, यहाँ तक कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं उनके भी चिथड़े उड़ गए होते। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है, लेकिन हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं, और वह राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से होगा।